मरकजी हुकूमत से एक मंत्री जी आए थे वजीर, जिनका नाम आप जानते होंगे कि गिरिराज सिंह है। उन्होंने किशनगंज को पाकिस्तान कहा और न जाने क्या क्या कहा, लेकिन यहाँ की जो भाईचारगी है, यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है, मैं बताऊं शंकर भाई बतौल अख्तरुल ईमान साहब की जबानी की, यहाँ पर अगर किसी हिंदू के घर में किसी की मौत होती है, गरचे मुसलमान जलाने में शामिल हो या ना हो, लेकिन नदी के किनारे खड़े होकर आंसू जरूर बहाते हैं। इसी तरह किसी मुसलमान के घर में अगर किसी की मौत होती है, गरचे वो हिंदू भाई जनाजे की नमाज में शामिल हो या ना हो, लेकिन कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाते हैं। ये भाईचारगी है यहाँ की, ये गंगा तहजीब है। मैं ये शेर पढ़ता हूँ कि यहाँ जालिम के जुल्मों से किशनगंज को बचाना है। सुनिएगा दोस्तों, यहाँ जालिम के जुल्मों से किशनगंज को बचाना है, यहाँ जालिम के जुल्मों से किशनगंज को बचाना है। लगी है आग नफरत की, हमें मिलकर बुझाना है। वाह, हमें मिलकर बुझाना है, मिलकर बुझाना है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये प्रोफेसर मुसविर साहब ने मुझे 500 रुपए इनाम दिया है। हाँ। लेना तो नहीं चाहिए मुशायरे में, लेकिन अगर दे दे अगर कोई बड़े उस्ताद लोग, नहीं तो कोई उसे बात नहीं, लेना चाहिए। शुक्रिया। 500 वाला तो नहीं होगा, एक एक का 5 गो होगा। जी 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 जी। हाँ हाँ हाजी साहब, मैं शेर पढ़ता हूँ वसीकुर रहमान साहब। अच्छा, जानते हैं मोहसिन भाई, कितने लोग इसी में पुराना वाला नोट चला देते हैं। अब घबरा जालिम के जुल्मों से किशनगंज को बचाना है, लगी है आग नफरत की, हमें मिलकर बुझाना है। और दोस्तों ये खूबसूरत शेर और यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है उसके हवाले से साहब ने भी 500 रुपए मुशायरा को सजाने में ठीक है, बहुत अहम रोल रहा है। कोई बात नहीं, आप एक घंटा जमे रहिए। इस तरह से अगर ये लोग देने लगे तो शायद मैं आज के बाद मुझे मुशायरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नजराना का कोई टेंशन ही नहीं है आपको, सब मेरा कोटा पूरा हो रहा है। शायद इमरान भाई कह रहे हैं कि आपका कोटा यहीं से पूरा हो जाएगा। सही, अल्लाह करे पूरा हो जाए। यहाँ जालिम के जुल्मों से किशनगंज को बचाना है, लगी है आग नफरत की, हमें मिलकर बुझाना है। लगी है आग नफरत की, हमें मिलकर बुझाना है। और दोस्तों ये शेर कि दिवाली और ईद हम यहाँ मिलकर मनाते हैं। क्या बात है, ये खूबसूरती है इस मुशायरे की कि यहाँ पर अगर इमरान प्रताप गरी साहब तशरीफ फरमा हुए हैं तो यहाँ शंकर कैमूरी साहब भी है। यही भाईचारगी है दोस्तों, यही हिंदुस्तान है। कि दिवाली और ईद हम यहाँ मिलकर मनाते हैं, दिवाली और ईद हम यहाँ मिलकर मनाते हैं, हमें हर हाल में इज्जत किशनगंज की बचाना है, हमें हर हाल में इज्जत किशनगंज की बचाना है। और दोस्तों ये शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाए, मास्टर मजहर इमाम साहब मुझे दुआओं से नवाज रहे हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, यहाँ के बैगना से ताल्लुक रखते हैं, जो दबिस्तान बैगना के नाम से जाना जाता है। मैं शेर पढ़ता हूं कि हुकूमत करने वालों की सियासी चाल है लोगों, 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 सियासत के लफंगों से किशनगंज को बचाना है, सियासत के लफंगों से
किशनगंज को बचाना है, किशनगंज को बचाना है। और दोस्तों चार मिसरे बतौर खास मुलाहजा फरमाए, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक शख्स ने न जाने क्या क्या कहा। और मैं ये चार मिसरे, शंकर भाई आप तो नात पाक के बहुत अच्छे शायर हैं, मैं पढ़ता हूं, जब आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बोल दे कोई, तो यकीनन कोई हमारे अख्तरुल ईमान साहब कहते हैं कि कोई शराबी भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, अपने गर्दन कटाने पर वो तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं एक शायर हूं, मैं पढ़ता हूं, बतौर खास मुलाहजा फरमाए कि फले नफरत के हो काटे तो शाखें काट डालेंगे। सुनना बहादुरगंज वालों, फल नफरत के हो काटे तो साखे काट डालेंगे, रहे बंदिश के वो जैसी सलाखे काट डालेंगे, तुम्हें प्यारे नबी के सरफरोशों का पता क्या है, तुम्हें प्यारे नबी के सरफरोशों का पता क्या है, अरे गुस्ताख तुम सबकी ज़बाने काट डालेंगे, अरे गुस्ताख तुम सबकी ज़बाने काट डालेंगे।